दिलीप की खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा जब उनका बेटा हिमांशु उर्फ हेमू पैदा हुआ। ओले ले ले ले, हेमू बेटा नहीं रोते, देखो देखो पापा ताली बजा रहे हैं। लाइए मुझे दीजिए। दीपा ने जब हेमू को गोद में लिया वो एकदम चुप बैठ गया और सो गया। भला ये क्या बात हुई, मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की तो वो और जोर से रोने लगा, और तुमने जब उसे हाथों में लिया तो वो झट से चुप हो गया। क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरा स्पर्श पहचानता है। लगता है जिंदगी भर तुम्हारा ही पल्लू थाम कर रहेगा। दिलीप को कहाँ पता था कि उसकी ये बात सच होगी और 5 साल बाद उसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी। अब दीपा को ही अपने बेटे हेमू को पालना था। हे भगवान, ये क्या कर दिया, अब मैं अकेले कैसे हेमू को संभालूंगी। बेचारी दीपा फूट फूट कर रोने लगी। दीपा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए उसे काम वाले का काम करना पड़ा। रोज सुबह जल्दी दीपा अपने घर का काम निपटाती और फिर हेमू को नाश्ता करवा के अपने काम पर निकल जाया करती थी। दीपा सेठानी के यहाँ काम करती थी, जो दिन भर उससे कड़ी मेहनत करवाती थी। दीपा बहुत सारे बर्तन मांजती थी, फिर झाड़ू पोछा करती थी और फिर सबके लिए खाना भी बनाती थी। इतना सब करने के बाद दीपा हेमू को लेने स्कूल भी जाया करती थी। हेमू! माँ, पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? आज मेरी पीटी टीचर ने मुझे शाबाशी दी। और वो क्यों? क्योंकि मैं बंदरों की तरह बैलेट्स पे कूद रहा था। हाँ हाँ, लेकिन संभल कर, तुम्हें लग गई तो? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगेगी, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, स्ट्रॉन्ग। बहुत बातें करता है तू। हेमू जिम्नास्टिक्स में अच्छा था, वो बड़े आराम से अपने शरीर को बैलेंस कर सकता था। एक रविवार जब हेमू रास्ते से चल रहा था तो उसे एक पेड़ पे आम दिखे। हेमू बड़ी फुर्ती से आम के पेड़ पर चढ़ गया। तभी आम के बाग का चौकीदार वहाँ पे आया। हेमू बड़े आराम से एक पतली सी डाली पर चढ़ने लगा। ये सब दूर खड़ा एक इंसान देख रहा था, उसने हेमू को रोका। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? हेमू। अच्छा नाम है, तुम बहुत फुर्तीले हो, मेरे लिए काम करोगे? वो आदमी एक तमाशा मंडली चलाता था, जो रास्ते पे करतब दिखाकर दर्शकों से पैसे लेते थे। हेमू घर आया और उसने खुशी खुशी अपने माँ के साथ खाना खाया। अगले दिन दीपा हेमू के साथ बाजार जा रही थी, तभी दीपा की नजर कपड़ों के दुकान में लटकी एक साड़ी पर पड़ी। वो थोड़ी देर रुक गई। माँ? हाँ हाँ हाँ, चलो। हेमू बुद्धिमान था, उसे समझ आ गया कि उसकी माँ को वो साड़ी पसंद आ गई थी। अगले दिन छुपके से हेमू उस दुकान पर गया। काका, ये नीली वाली साड़ी कितने की है? 200 रुपए की। बाप रे! अब हेमू सोच में पड़ गया कि वो 200 रुपए कहाँ से लाए। फिर शाम को जब वो उसी आम के बाग के रास्ते आ रहा था, उसे उस आदमी की याद आई। जब हेमू थोड़ा आगे बढ़ा, उसे वो आदमी वही मिला। काका, मैं आप ही को ढूंढ रहा था, मुझे पैसों की जरूरत है। अगर तुम आज रस्सी पे चलने का करतब दिखाओ तो मैं तुम्हें 300 रुपए दूंगा। 300 रुपए? ठीक है। शाम के समय गांव में भीड़ लगी थी। हेमू रस्सी पे चढ़ गया, उसे डर लग रहा था लेकिन वो फिर भी चलता रहा। उसी समय दीपा वहाँ से गुजर रही थी, उसका ध्यान हेमू पर गया। हाय राम! दीपा डरी सहमी वही खड़ी रहकर देखती रही जब तक हेमू ने रस्सी पार न कर ली। फिर वो घर की ओर चल पड़ी। आने दो उसे, मैं उसके पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और ये है कि गांव में करतब दिखा रहा है। अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? आने दो उसे, अच्छे से खबर लेती हूँ उसकी। और कुछ ही देर में हेमू घर आया। हेमू नालायक निकम्मे, तेरे लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और तू ये सब कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? दीपा रोने लगी और फिर हेमू ने उसे वो साड़ी दी। माँ, मैंने करतब सिर्फ इस साड़ी के लिए किया था। वो साड़ी देख दीपा के आंखों से खुशी के आंसू निकल आए, उसने अपने बेटे का माथा चूमा। तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? हमेशा क्या तुम ही मेरे लिए मेहनत करोगी? क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? ये कहानी डॉक्टर रमेश नंदिनी की है। डॉक्टर रमेश नंदिनी एक बहुत ही नामी और बड़े सर्जन हैं। आज उनका बड़ा नाम है, उनके पास वो सब कुछ है जिसे पाने का सपना वो कभी देखा करते थे। जी, मैंने डॉक्टर रमेश नंदिनी का अपॉइंटमेंट लिया था। जी हाँ, बैठिए,
डॉक्टर रमेश नंदिनी जी आते ही होंगे। जी बहुत नाम सुना है उनका, लेकिन ये नाम थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, डॉक्टर रमेश नंदिनी। जी हाँ, आप सही हो। लेकिन उनके नाम के आगे ये नंदिनी क्यों? इस नाम के पीछे एक दिलचस्प कहानी है, वो कुछ ऐसी है। सोनू, सोनू बेटा जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। नहीं माँ, आज मुझे स्कूल नहीं जाना। अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो बड़े अफसर कैसे बनोगे? माँ, तुम क्या काम करती हो? बेटा मैं एक बड़े से ऑफिस में काम करती हूँ। कितना बड़ा ऑफिस माँ? बहुत बड़ा बेटा, बहुत बड़ा। क्या तुम मुझे भी ले जाओगी तुम्हारे ऑफिस में? हाँ हाँ जरूर, जब तुम पढ़ लिख कर बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भी ले जाऊंगी। वैसे सोनू, तुम्हें क्या बनना है बड़ा होकर? मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है माँ। डॉक्टर बनकर मैं तुम्हारा इलाज करूँगा और तुम्हारे सारे दर्द को दूर करूँगा। हाँ मेरा प्यारा बेटा, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। चलो अब तैयार हो जाओ। सोनू अपने कपड़े पहन अपने हाथ में कुछ किताबें उठा लेता है और अपनी माँ के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। माँ, कब तक मैं हाथ में किताब लेकर स्कूल जाऊँगा? मुझे एक स्कूल बैग चाहिए। स्कूल बैग? तुम भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हें स्कूल बैग जरूर दिलाएंगे। तो फिर मैं पढ़ाई भी क्यों करूँ? भगवान मुझे डॉक्टर भी तो बना सकते हैं ना? सोनू नाराज होकर अपने स्कूल में चला जाता है। स्कूल में टीचर सभी बच्चों से कुछ सवाल कर रही होती है। बच्चों, बताओ तुम्हें बड़ा होकर क्या बनना है? मैं किसान बनूंगा अपने पापा की तरह। मैं सब्जी बेचूंगी अपनी माँ की तरह। सोनू, तुम बताओ तुम्हें क्या बनना है? मुझे डॉक्टर बनना है टीचर। मैं एक बड़ा डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करूंगा। अरे ओ सोनू, पैर में चप्पल नहीं, हाथ में बैग नहीं, और तुम्हें बनना है डॉक्टर। चुप हो जाओ सब लोग, चुप। सोनू, बहुत ही अच्छी इच्छा है तुम्हारी, खूब पढ़ाई और मेहनत करो, तुम एक दिन जरूर डॉक्टर बनोगे। भगवान तुम्हारे इस सपने को जरूर पूरा करेंगे। सोनू शाम को अपने स्कूल से बहुत दुखी होकर घर वापस आता है। माँ, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाना दो। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। क्या माँ, आज भी वही पकाओ खिचड़ी? ये खिचड़ी खाकर क्या मैं कभी डॉक्टर बन पाऊंगा? अरे सोनू, सब सही कहते हैं माँ, ना पैर में चप्पल है ना हाथ में बैग, और सपने देखता हूँ डॉक्टर बनने के, सब सही कहते हैं। थोड़ा रुक जाओ सोनू, मैं जल्द ही तुम्हें एक नया बैग और जूते दिला दूंगी। रहने दो माँ, शायद तब तक मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम्हें डॉक्टर बनना है ना? नहीं माँ, मुझे कोई डॉक्टर नहीं बनना। तुम मुझे एक चप्पल और बैग नहीं दिला सकती हो, तो तुम मुझे डॉक्टर कैसे बना पाओगी? रहने दो माँ। सोनू बहुत ही दुखी और निराश होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन सोनू स्कूल नहीं जाता, उसकी माँ बहुत ही परेशान हो जाती है। सोनू, तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो मेरे जैसे बड़े ऑफिस में कैसे जाओगे बेटा? तुम जाओ माँ, अगर सच में तुम किसी बड़े ऑफिस में काम कर रही होती तो तुम मेरी सारी इच्छाएं जरूर पूरी करती। तुम जाओ। सोनू नाराज होकर अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। रुको बेटे, डॉक्टर रमेश, तुम नंदिनी के बेटे हो ना? हाँ जी, मैं नंदिनी का बेटा हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ। पता है, मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ, वो हमेशा तुम्हारे बारे में कहती रहती है। क्या आप भी मेरे माँ के साथ ऑफिस में काम करती है? सोनू की बात सुन वो औरत उसे कोई जवाब नहीं देती, वो मुस्कुराकर उसके हाथ में एक आईना देती है। हाँ, ये क्या है दादी, ये आईना क्यों दिया आपने मुझे? बेटे, ये आईना तुम्हारे सवालों का जवाब है, इसमें देखो और तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सोनू उस औरत की बात मानकर आईने में देखता है। मालकिन, मालकिन मुझे थोड़े चावल और दाल दे दो, मेरा बेटा स्कूल से आता ही होगा, बदले में मैं आपके सारे कपड़े धो दूंगी। ठीक है, तुम कब तक ऐसे ही सच्चाई छुपाओगी अपने बेटे से? पता नहीं मालकिन, जब तक वो अपनी खुद की कोई पहचान नहीं बना लेता, शायद तब तक मुझे ऐसे ही अपनी पहचान छुपानी पड़े। तुम उसे सच क्यों नहीं कह देती हो नंदिनी? नहीं मालकिन,
मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरा बेटा खुद को कमजोर और गरीब समझे। अगर मैंने उसे ये सच बता दिया कि मैं एक नौकरानी हूँ, तो शायद वो कभी इतने बड़े सपने नहीं देखेगा और कभी मुझसे इतना प्यार भी नहीं करेगा। मैं उसे डॉक्टर बना हुआ देखना चाहती हूँ मालकिन। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा एक दिन डॉक्टर जरूर बनेगा। लेकिन तुम अगर ऐसे ही काम करती रहोगी तो अगर मैं काम नहीं करूंगी तो उसे पढ़ाऊंगी कैसे, उसे डॉक्टर बनाऊंगी कैसे? सोनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके दिल में अपनी माँ के लिए नफरत नहीं बल्कि इज्जत और प्यार आ जाता है। इससे पहले वो उस औरत को शुक्रिया कह पाता, उसके हाथ से वो आईना और वो औरत भी गायब हो जाते हैं। हाँ? सोनू भागता हुआ अपने घर जाता है और देखता है कि उसकी माँ ने उसके लिए नई स्कूल बैग और जूते लाए हैं। ये लो बाबा, अब तो जाओगे ना स्कूल और बनोगे ना डॉक्टर। सिर्फ डॉक्टर नहीं माँ, फिर डॉक्टर रमेश नंदिनी कहो। आपके इस कहानी से तो मेरा दिल भर आया। लो आ गए डॉक्टर रमेश नंदिनी।